हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ फॉर अ सॉल्ट ऑफ टाइप ए बी इज 4 × 10⁻⁸. व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ इट्स स्टैंडर्ड सॉल्यूशन? पहला ऑप्शन दिया 16 × 10⁻⁶ मोल पर लीटर, दूसरा दिया 2 × 10⁻⁶ मोल पर लीटर, देन दिया 4 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर और फोर्थ ऑप्शन दिया यहाँ पे 2 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर. देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं दैट इज की कंसेप्ट की कंसेप्ट यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है. तो अगर हम की कंसेप्ट डिफाइन करना चाहें, की कंसेप्ट यहाँ पे क्या जाएगा, जिसको बोला जाता है दैट इज अ, यहाँ से आ जाएगा दैट इज अ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज, इसको हम डिफाइन करते हैं, इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ से जाएगा प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ से आपके पास बनेगा दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन, जो आयंस की कंसंट्रेशन है उसका हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. जो क्या होंगे, विच आर इन इक्विलिब्रियम विद, विच आर इन इक्विलिब्रियम विद सॉलिड, विच आर इन इक्विलिब्रियम विद, आपके पास आ जाएगा with the solid compound in saturated solution, with the solid compound in a saturated solution, compound यहाँ से आ जाएगा in a, यहाँ पे आपके पास बनता है that is a saturated solution. तो ये आ जाता है हमारे पास यहाँ से आयनिक product, जिसको solubility product भी बोल सकते हैं. अब देखिए, अगर यहाँ पे हम इसको discuss करें तो यहाँ पे पहले हमारे पास दिया हुआ है कि ए बी टाइप एक सॉलिड हमारे पास दिया है. इसको हम अगर डिसॉल्व करें, ये ब्रेक डाउन कर जाएगा. कैसे ब्रेक डाउन कर जाएगा? ए पॉजिटिव एक्वस प्लस यहाँ से आ जाएगा दैट इज बी नेगेटिव एक्वस में. मान लो इसका सॉल्युबिलिटी एस, इसका सॉल्युबिलिटी एस है, तो के एस पी यहाँ से क्या बनेगा? के एस पी यहाँ से आ जाएगा ए पॉजिटिव का कंसंट्रेशन, यहाँ से आ जाएगा बी नेगेटिव का कंसंट्रेशन. तो के एस पी यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है यहाँ पे, दैट इज 4 × यहाँ से आ जाएगा 10⁻⁸. तो ये बनेगा 4 × 10⁻⁸, यहाँ से आ जाएगा आपके पास दैट इज एस स्क्वायर. तो एस यहाँ से निकालें, ये बनेगा 4 × 10⁻⁸, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1/2. तो सॉल्युबिलिटी यहाँ से निकालें, ये आ जाएगा 2 × 10⁻, यहाँ से आ जाएगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है 2 × 10⁻⁴, यहाँ से कितना जाएगा 4 मोल पर लीटर. तो ये मोल पर लीटर है, इसका मतलब यही हमारे पास क्या होगी, मोलैरिटी भी होगी. तो फाइनल आंसर क्या बनेगा? फाइनल आंसर इज डी ऑप्शन, 2 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.